दोस्तों रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी प्रदेश में मैं कहीं जाता हूं तो वहां के इम्पोर्टेंट लोकेशंस से आपको रूबरू कराता हूं। आज मैं जम्मू में हूं और मेरे साथ आप पीछे देख रहे होंगे ओम सुधा भी बैठे हैं और जम्मू के सुदूर गांव में हूं और सीधान बॉर्डर पर, और आपको थोड़ा सा गांव का भी विजुअल्स दिखा रहा हूं। जैसा भारत में आम गांव है उसी तरीके से ये गांव है। और मेरे साथ आज अंबेडकर नामा में खास मेहमान हैं और बहुत महंगे मेहमान हैं। वो गाड़ी चला रहे हैं आज, पूरी उनकी जिम्मेदारी है कि पूरा वो घुमाएंगे और कहाँ क्या क्या दिखलाने वाले हैं। मेरे साथ डॉक्टर राकेश अत्री साहब हैं और पढ़ाते हैं यहाँ, प्रोफेसर हैं, और आज ये हमें घुमाने लेने जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। बहुत महंगा आज ड्राइवर हमारे पास है, प्रोफेसर हैं। राकेश जी, कहाँ कहाँ हम लोग जा रहे हैं, क्या दिखलाने वाले हैं आप? जय भीम साथियों, आज सबसे पहले हम जा रहे हैं भारत पाकिस्तान के बॉर्डर सुचेतगढ़ जी, और ये बॉर्डर बड़ा अहम बॉर्डर है क्योंकि इस बॉर्डर के थ्रू कभी किसी जमाने में जी ट्रेन जो थी वो जम्मू से सुचेतगढ़ जाती थी जी, और आज भी जो ट्रेन्स होती हैं जी, और मेन बॉर्डर यहीं पे है। और इसके बाद हम जाएंगे अखनूर जी। तो आपको यहाँ लोग बड़ा पसंद करते हैं और आप जो भी बाबा साहेब के मिशन को फैलाने का काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आपका ऑडियंस बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट आपका ऑडियंस सबसे ज़्यादा है अगर मैं जम्मू की बात करूं। और अभी भी मुझे काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं कि कहाँ हैं साहब, कहाँ हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो मेरे लिए बड़ी दिक्कत हो रही है कि साहब इतना बिजी हैं तो उनको हम किस किस से मिलाएं और कैसे कैसे। मैं साहब नहीं, आम आदमी हूँ। अरे आप हमारे लिए साहब ही हैं सर, आप जैसे बहुत कम लोग होते हैं। ओम सुधा भी है क्या? जम्मू में क्या कार्यक्रम था? ये परिसंघ का हमारा 2022 का थर्ड नेशनल कन्वेंशन था, उसके अच्छा। लिए हम लोग आए, काफी लोग आए थे और रतनलाल सर तो हमारे की स्पीकर ही हैं, हमारे आयोजन में थे। बहुत बढ़िया अनुभव रहा और अभी प्रोफेसर राकेश जी के साथ हम लोग जम्मू का इतिहास समझते हुए घूम रहे। अब देखिए, ये आप पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, इंडिया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ पे हैं और यहाँ पे एनसीसी के कैडेट्स हैं। और ये आप पाकिस्तान बात करते करते हम लोग पाकिस्तान के बॉर्डर पर आ चुके हैं, चलते हैं देखते हैं। कुछ साथी अगर बात करना चाहेंगे तो जाहिर है वहाँ पे हम बात करेंगे और यहाँ क्या माहौल रहता है, कैसे लोग रहते हैं, ये सब भी आप बातचीत करेंगे। देखते रहिए अम्बेडकर नामा। जम्मू, आरएसपुरा और सुचेतगढ़ जी, मैं इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़ा हूँ और यहाँ के आगे जो आप देख रहे हैं पिलर, यहाँ पे बैनर, इसके आगे कैमरा अलाउड नहीं है, वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। यहाँ से तकरीबन 200 मीटर तक अंदर हम लोग गए हैं, जहाँ एकदम पाक बॉर्डर जहाँ पर है वहाँ पे पाक पोस्ट तक वहाँ गए हैं। 10 कदम का फासला है इंडिया और पाक बॉर्डर पे और दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगा हुआ है। दिलचस्प देखने में था कि एक ही धान का खेत आधा पाकिस्तान में है और आधा भारत में है, दोनों की क्वालिटी एक ही है, एक ही क्वालिटी है। ये बहुत बॉर्डर का जो एरिया होता है बहुत टेंस्ड एरिया होता है, और हम लोग तो टीवी में सुनते थे, देखते थे, आरएसपुरा में ये रॉकेट बम गिरा और गोली चली। मेरे साथ डॉक्टर राकेश हैं, डॉक्टर राकेश कुमार जम्मू यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और आज ये घुमाने लाए हैं। यहाँ पे क्या माहौल है, यहाँ ज़िंदगी कैसी होती है लोगों की, क्या माहौल है? लैंड बहुत उपजाऊ है, चारों तरफ धान के खेत हैं और बहुत बेस्ट क्वालिटी का धान यहाँ पे मिलता है, क्या राकेश जी? सभी श्रोताओं को मेरा जय भीम। आपने पूछा कि यहाँ ज़िंदगी कैसी है, मैं कहूँगा यहाँ ज़िंदगी बड़ी स्वस्थ है और बड़ी अच्छी है। आप आगे पीछे की अपनी आबो हवा देखें, लोग खुश हैं, हवा अच्छी है, पानी अच्छे हैं, लोग खुश हैं। हाँ, दिक्कत होती है जब बॉर्डर पे
गोलीबारी होती है बॉर्डर पार से, देखिए परेशान होते, टमटम भी आ रहा है, जरा टमटम भी देख लिए, लोग आते हैं यहाँ पे टूरिस्ट, टमटम यहाँ है, रिक्शा नहीं है, टमटम है जी। हाँ, तो जब गोलीबारी होती है तो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, लोगों को टेम्परेली यहाँ से विस्थापित होना पड़ता है, बट शुक्र है अभी पिछले 2-3 सालों से सीमा पे गोलीबारी नहीं हो रही है, लोग खुश हैं। और सर आप देख सकते हैं कि यहाँ के खेत इतने उपजाऊ हैं कि यहाँ के लोग जो हैं इस उपजाऊ मिट्टी की वजह से उनका जो इकोनॉमिक स्तर है वो काफ़ी बेहतर है। ये गांव आपको आम गांव की तरह नहीं दिखेंगे, ये एकदम से समृद्ध गांव है, रोड पक्के हैं, मकान पक्के हैं, लोगों के पास अपनी गाड़ियां हैं, लोग खुश हैं। तो ये जब गोलीबारी होती है तो जान माल की क्षति भी होती होगी यहाँ पे, लोग विस्थापित होते होंगे? जब गोलीबारी होती है तो लोग यहाँ से विस्थापित होते हैं, क्योंकि खतरा तो रहता ही है जान का और माल का भी। लोगों से ज़्यादा परेशानी, जो लोग तो फिर भी जा सकते हैं लेकिन इतने सारे पशु हैं, जानवर हैं, गाय भैंसे हैं लोगों की, वो कहाँ जाएंगी, उनका बड़ा नुकसान होता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाय भैंसों को चारा भी चाहिए तो चारा कौन खिलाएगा, ठीक है। तो एकदम से जो ज़िंदगी है वो तहस नहस हो जाती है, वो एक बड़ा ही डरावना और बड़ा ही भयंकर एक सीन है। ना हो गोलीबारी तो ज़्यादा बेहतर है, ना हो। 2-3 साल से बंद है? हाँ, अभी 2-3 साल से बंद। यहाँ जो गांव है बॉर्डर के साथ जो लगे हुए गांव है, आगे जाएंगे वो गांव ही मिलेंगे दोनों तरफ, तो उसमें क्या फेंसिंग किया हुआ है गांव? बिल्कुल, गांव जो है वो फेंस के ऊपर आप देख सकते हो, फेंस के इस तरफ या उस पार तो होंगे नहीं, लेकिन लोगों की ज़मीन जो है वो फेंस के उस पार भी है, तो कटाई के लिए उधर जाना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। तो क्या है कि जब भी कोई कटाई के लिए उस तरफ जाता है तो हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, सिक्योरिटी फोर्स के ऑफिसर्स हैं, वो उनके साथ एक कंपनी करते हैं उनको। अच्छा। वो अपना जाते हैं, कटाई करते हैं, बट आपको पता है कि जिन लोगों के खेत हैं उनकी खेतों में जाने की फ्रिक्वेंसी बड़ी ज़्यादा है, तो जब तार के पार वाले खेत हैं तो आपको रोज़ परमिशन नहीं मिलेगी, कभी कभार आप अपना ट्रैक्टर लेके जाइए, जोत दीजिए, फिर उसके बाद लगा दीजिए, तो उतनी फ्रिक्वेंसी नहीं है, बट फिर भी लोग अभी काम चला लेते हैं। बट जब ये गोलीबारी शुरू हो जाती है तब रिस्क जो है बहुत बढ़ जाता है, तो तब सिक्योरिटी फोर्सेस भी अलो नहीं करते आगे जाना। तो पाकिस्तान के लोग के खेत भी इधर होंगे? नहीं, फेंस के इस तरफ नहीं है, फेंस के इस तरफ सिर्फ हमारे खेत हैं, फेंस के पार थोड़ा सा एरिया जो है गवर्नमेंट ने छोड़ा हुआ है, ठीक है। उस वहाँ आप देखेंगे पुलिस लगी हुई है, पुलिस के उस पार वाले जो खेत हैं वो पाकिस्तान वालों के, हमारे खेत पुलिस से पहले हैं और कुछ फेंस के बाहर हैं। कुछ फेंस के बाहर है? कुछ फेंस के बाहर। अच्छा, तो ये बताइए पाकिस्तान का भी गांव तो बगल में ही होगा ना? बगल में है। तो दोनों जो फेंस के दोनों तरफ भारत और पाकिस्तान के जो लोग रहते हैं, तो उनमें कम्युनिकेशन कुछ आदान प्रदान भी होता है? ये देखिए अभी माहौल खराब हो गया, बट जैसे हमारे फेस्टिवल तो एक ही तरह के होते हैं, सब कुछ बोल चाल। अभी भी एक यहाँ पे एक मेला लगता है बाबा चमलियाल का, वहाँ पे दोनों तरफ से लोग आते हैं। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि फेंसिंग से पहले, अभी तो जब से मिलिटेंसी शुरू है माहौल खराब हो गया, पहले लोग तो बात करते थे एक दूसरे से, वहाँ से कोई अपने जानवर चराने आया, यहाँ से कोई जानवर चराने, पता चला है कि खेत में जानवर चरा रहे हैं, पहले लोगों का जो था वो कम्युनिकेशन था, लेकिन अब माहौल खराब हो गया। आपको पता है पिछले 25-30 सालों से जब से मिलिटेंसी शुरू हुई है तब से जो है वो बॉर्डर पे भी दिक्कत हुई है, और फिर उसके बाद फेंसिंग भी करनी पड़ी, जिसकी वजह से वो कम्युनिकेशन आज की डेट में टूट गया है। आज की डेट में अगर आप कहेंगे कि कोई कम्युनिकेशन होता है तो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, लेकिन एक ज़माना था जब कम्युनिकेशन था। नहीं, आजकल तो भारत सरकार भी चाह रहे हैं कि बॉर्डर एरिया सॉफ्ट हो, टेंशन कम हो, क्योंकि बिजनेस का प्रेशर है एक तरह से, वो ट्रांजिट रूट मांग रहे हैं पाकिस्तान से और अफगानिस्तान तक, ईरान तक। तो कहीं ये कारण तो नहीं है कि जिसकी वजह से शांति कायम है, बायलेटरल टॉक चल रहा हो? हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ ऐसा हो रहा हो, क्योंकि सामने आपको भी आपके सामने भी कुछ मीडिया में आया नहीं है, हमारे सामने भी कुछ पब्लिकली आया नहीं है, बट कुछ बैकडोर अगर कुछ नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा है कि ट्रांजिट रूट चाहिए एक इंटरनेशनल मीटिंग में, वो तो संघाई बिल्कुल, वो तो हमको ट्रांजिट रूट चाहिए। आई होप कि पीछे कुछ बैकडोर नेगोशिएशन चल रही हो कि बॉर्डर को सॉफ्ट रखा जाए, जो गोलीबारी होती थी उसको बंद रखा जाए और लोगों का 1-to-1 जो इंटरेक्शन है वो बढ़ाया जाए। अगर ऐसा होता है तो ये सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि आपको पता है सियालकोट यहाँ से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर है, और सियालकोट एक बड़ा मार्केट हो सकता है हम लोगों के लिए, जो जम्मू के लोग हैं, ठीक है, बाकी तो हैं ही हैं, तो हमारे लिए तो बड़ा अच्छा है, हमें एक मार्केट मिलेगी और हम वहाँ जाके अपना सामान बेचेंगे, वो तो अच्छा ही है। लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है, जिस तरह से
एक दोनों देशों के बीच में उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये सब स्टेप्स जो हैं वो लिए जा सकें। अभी फ़िलहाल मुझे जो लगता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बॉर्डर है उनको शांत किया जाए, वहाँ पे जाहिर है गोलीबारी है जो वो बंद किए जाए, एक पहला कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर तो हो, उसके बाद हम दूसरी बात जो है वो कभी कर सकते हैं शायद फ्यूचर में। चलिए देखिए, शांति व्यवस्था अमन कायम रहे, जनता अक्सर जो है युद्ध नहीं चाहती है, कई बार कई तरह के प्रेशर्स होते हैं जिसकी वजह से युद्ध होता है, और शांति अमन व्यवस्था कायम रहे, लोग मिले जुलें। सिर्फ एक ही गांव में एक फेंसिंग है, समझ लीजिए उसी तरह का मामला कैसा होता होगा कि उधर पाकिस्तान के लोग जब गाना गाते होंगे या बोलते होंगे तो इधर सुनाई देता होगा, और इधर गाना गाते होंगे बोलते होंगे तो उधर भी सुनाई देता होगा। तो अमन चैन बहुत ज़रूरी है, और पाकिस्तान बॉर्डर से मैं रतनलाल, और वीडियो जर्नलिस्ट बहुत महंगे आदमी हैं पुनः ओम सुधा साहब हैं, ओम डॉक्टर ओम सुधा, पूरा वीडियो देखिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया राकेश जी, और शुक्रिया ओम सुधा।